उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में हनुमान मंदिर का गेट बनाने ने पड़ोसी ने किया विरोध। हनुमान मंदिर सेवा समिति ने मंदिर की सुरक्षा की मांग। बताते चलें श्री हनुमान सेवा समिति के सदस्यों ने अध्यक्ष अशोक मिश्रा के नेतृत्व में एसएसपी को लिखे शिकायत पत्र दिया था। बताया कि मोहल्ला मलकपुर में सैकड़ों वर्ष पुराना 50 वर्ग गज में हनुमान जी का छोटा सा मंदिर बना है। मंदिर के दक्षिण अजय मेहरा अनूप मेहरा आदि का मकान है, जिसका दरवाजा पूर्व दिशा में सरकारी सड़क पर खुलता है। मंदिर परिसर में बरसों पुराना एक पीपल का पेड़ था, इसमें पिछले साल आंधी तूफान में गिर पड़ा, जिससे मंदिर में आने जाने वाली सीढ़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। इसलिए मंदिर का जीर्णोद्धार करना शुरू किया तो विपक्षी लोगों ने पहले एक से मंदिर आने जाने के लिए पूजा अर्चना के लिए दरवाजा खोल रखा था। आज जो खुला दरवाजा फायदा उठाते थे, आज मेरा ने चौड़ी सीढ़ियों को अपनी सीढ़ियां बताते हुए झूठा दीवानी बात दायर कर दिया। अजय मेहरा का अदालत से कोई आदेश नहीं मिल पाया। सुरक्षा के लिए हनुमान मंदिर की सेवा समिति ने एसएसपी जाकर गुहार लगाई। नरेश कुमार रस्तोगी, हनुमान सेवा समिति रेस्टोरेंट। हम लोग इसका निर्माण कार्य करा रहे हैं और सब लोग हमारे अध्यक्ष महोदय अशोक मिश्रा जी, रतन लाल जी और हमारी पूरी कमेटी इस काम में लगी हुई है। मंदिर निर्माण कार्य में हम अपनी हद में निर्माण कार्य करा रहे हैं। जो हमारा विवादित हिस्सा है, जो नपत में आया हुआ है, उसे छोड़ के हम अपने पिलर पे जो भी निर्माण कार्य हमें करा रहे हैं, उसमें हमारे ऊपर बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमारा ये प्राचीन मंदिर है, हम इसमें अपनी आस्था अनुसार जो सामान रख के जाते हैं, उसे हमें नहीं पता क्या रहा क्या बचा, वो तो हम आगे रख देते हैं, आके मूंद के अपना काम करा लेते हैं। दिक्कत क्या आ रही किस तरह? आखिरकार आज हमारे गेट में, आज हमें इस मंदिर की सुरक्षा को लेकर जो हमें दिक्कत आ रही है, वो हमारे गेट के लिए है, जो हम अपने हद में लगा रहे हैं, हम अपने पिलर पे लगा रहे हैं, उससे कोर्ट कचहरी का किसी का कोई मतलब ही नहीं होता। आज हमारी मूर्तियों की स्थापना होने के बाद अगर इसमें कोई भी क्षति होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? मेरा नाम अजय मेहरा है, 541 मलुकपुर का निवासी हूँ। ये मेरा चबूतरा है, ये इसकी फ़ोटो है, ये मेरा ऐसा ये वो फ़ोटो था, ये इनका मंदिर था। हाँ, इन्होंने ये पेड़ काटा, ये देखिए पेड़ ऊपर से काटा और नीचे से पेड़ इनको इन्होंने गिरा दिया। जमीन किसकी है? जमीन मेरी है, ये जमीन मेरी है, बस इतनी सी जो आपको ऊपर दिखाई दे रही है, ये जमीन इतनी सी मेरी है, जिसको इन्होंने ये तोड़ के ये गिरा दिया, इन्होंने ये पेड़ गिरा दिया। अब इसको ये कब्जा करना चाहते हैं। इनका रास्ता आप ये देख रहे हैं, इनका रास्ता ये था, ये देखिए ये जो श्री हनुमान मंदिर सेवा समिति का मैं उपाध्यक्ष हूँ और मैं 71 साल की मेरी उम्र है, 65 साल से इस मंदिर में इसी रास्ते से हम लोग पूजा कर रहे हैं, पीपल की पेड़ की पूजा कर रहे हैं कि मतलब श्री हनुमान मंदिर की पूजा। मैं रतन लाल बोल दिया ना, श्री रतन लाल। और किसी जो इसमें एक कोई भक्त रहता था हनुमान का, उसने आने जाने के लिए एक दरवाजा इधर खोल रखा था, मतलब जो है किसी जमाने, तो इन्होंने उसने अवैध रूप से इन्होंने उसका मतलब बैनामा करा लिया था, मतलब जबकि उसकी जगह नहीं है, मतलब जो है अब ये कह रहे हैं हमने रजिस्ट्री करा रखी है, इन्हें कोर्ट में स्टे डाल रखा है। परेशानी जो आ रही है कि हमारा दरवाजा इन्हें नहीं लगने दे रहे हैं, हम अपनी हद में दरवाजा लगा रहे हैं और विवादित जगह बगैर स्टे के छोड़ रहे हैं। तो स्टे नहीं है, तभी हमें पुलिस द्वारा जो 107-16 लगवा देते हैं, बंद कराने की धमकी देते हैं, मतलब जो है। और दरवाजा हम इनके विवादित जगह को बिल्कुल नहीं छू रहे हैं, हम अपने हद में दरवाजा खोल रहे हैं। अब हम निकलेंगे कहाँ से? हमारे मंदिर के पुजारी कहाँ से जाएंगे? जय रास्ता से जाएंगे, इसी मंदिर से, इसी रास्ता से मंदिर बना। और अब जे कह रहे हैं दरवाजे मंदिर तोड़ो, मंदिर तोड़ कर उधर से निकलो, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि मंदिर का दरवाजा हम मतलब जो इधर से नहीं जाएंगे, जब जे पहले ही इन्होंने को सोचना चाहिए कि हम इधर से मंदिर बनने आए तो हमें निकलने की रास्ता कौन सी रहेगी। और पहले भी हमारी 71 साल से हम इसी मंदिर पर, पूरा मोहल्ला जानता है, यही रास्ता है। बड़े बुजुर्ग हैं जो 80-90 साल से, उनसे पूछ लिया जाए क्या क्या है, अगर हम गलत बोल रहे हैं तो साहब देख लिया जाए, बगैर स्टे के मतलब जो है इनका रोकने का अधिकार नहीं है। दरवाजा हम विवादित जगह को छू ही नहीं रहे।